Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आदेश जारी किया गया था कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल चलो अभियान के तहत रैलियां निकालकर अभिभावकों एवं बच्चों को जागरूक किया जाएगा। इसी अभियान के अंतर्गत कोंच विकासखंड में रैली निकाली गई। इस रैली में कोंच ब्लॉक के समस्त परिषदीय एवं प्राइवेट स्कूल भी शामिल रहे। इस रैली को SDM कोंच गुलाब सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली की अगवानी खंड शिक्षा अधिकारी कोच अजीत यादव द्वारा की गई। सैकड़ों बच्चों के द्वारा नगर की सड़कों पर स्कूल चलो अभियान के जोरदार नारे भी लगाए गए, जिससे अभिभावक प्रेरित हों और अपने बच्चों का नामांकन स्कूल में जरूर कराएं। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी कोच अजीत यादव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है और नामांकन कराने वाले छात्रों को ड्रेस, जूते, मोजे, किताब एवं मिड डे मील भी निःशुल्क दिया जाता है। इसलिए सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन पढ़ने स्कूल जरूर भेजें। यदि उनको कोई समस्या आती है तो हमें बताएं, इसका निराकरण किया जाएगा। रैली के दौरान सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएँ मौजूद रहे। कि हमारे एरिया का कोई भी बच्चा जो है 6 से 14 आयु वर्ग का जो है स्कूल से बाहर ना रहे, सभी जो है विद्यालय जाएं और पढ़ाई के प्रति जो है उनमें नई जागरूकता आए, इसलिए रैली निकाली जा रही है। अच्छा, आपके परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को जो एनरोल होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या क्या सुविधाएँ? उनके लिए निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क स्वेटर, निःशुल्क जूता मोजा, निःशुल्क बस्ता और मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है विद्यालयों में। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर न रहें, स्कूल में रहें और पढ़ें लिखें। कुछ शासन द्वारा परिषदी शिक्षा बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा बजट खर्च किया, फिर भी आपका हर साल नामांकन घटता है, इसके क्या कारण? अब नामांकन घटने के कई कारण हो सकते हैं, कारण ये है कि परिवार नियोजन भी तो चल रहा है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बच्चों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, बच्चे जो है विद्यालय जरूर आएं और विद्यालय को अपना घर समझें और घर जैसी शिक्षा जो है, माहौल जो है विद्यालय में मिले बच्चों को। जालौन से जितेंद्र सोनी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।